ब्रेजा के अंदर भैया ने सारा काम ऑलमोस्ट करा रखा है। लॉयस लगी हुई है, टॉप मॉडल की हेडलाइट इस पर लगी हुई है। सो बाहर से गाड़ी जो थी ये प्रॉपर पूरी ZXI बनी हुई है, ZXI के हिसाब से हेडलाइट्स इसमें लगी हुई है। सो आज का जो हमारे पास काम आया है वो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे चैनल के ऊपर, कार लिबास के ऊपर ही हमारी फर्स्ट इंस्टॉलेशन है डिफॉगर ग्लास की। इससे पहले हमें वाइपर वॉशर वाले हमने बहुत सारे ग्लास लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसके अंदर विटारा में भी। तो ब्रेजा की ये फर्स्ट इंस्टॉलेशन है, तो फर्स्ट जो है ये प्रॉपर पूरी बनती थी, इसकी वीडियो बनानी तो किस तरीके से खुल रहा है, किस तरीके से प्रॉपर बंद हो रहा है। सो प्रॉपर ये जो है शीशे का जो काम है भाई, प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं उन्हीं के हिसाब से लगता है। ये सिटी कार सिटी क्लास एक्सपर्ट्स के नाम से करमपुरा में हमारे पास यहाँ भैया हमारे, और बहुत प्यारे भैया हमारे ये वाले ये छुपे हुए हैं। सो ये इनका काम है भाई, बहुत दूर दूर इनका स्टॉक जाता है, बहुत दूर दूर से इनके पास गाड़ियाँ आती हैं। इवन इनका जो स्टॉक है वो सप्लाई भी होता है ऑल इंडिया। सो कोई भी गाड़ी का शीशा अगर इंस्टॉलेशन आप कराना चाहें तो आप इस पर करा सकते हैं। ये भैया के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, अदरवाइज मेरे नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज की गाड़ी की इंस्टॉलेशन हमारी ब्रेजा ZXI की, ब्रेजा ZXI के अंदर हम डिफॉगर ग्लास एक्टिवेट करेंगे। सो जिस तरीके से खुला उसी तरीके से भाई ये प्रोफेशनल तरीके से लगेगा। सो जैसे लगेगा आपको मैं दोबारा दिखाऊंगा किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन है और ये कैसे इंस्टॉल होगा इसके ऊपर ही। तो भाई प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया, इसके आप देख सकते हैं ये ग्लो स्टिक जो होती है रबर सीलेंडी, इससे प्रॉपरली लॉक होने स्टार्ट हो गई है। और इंस्टेंट इसके अंदर जो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, ये इंस्टेंट हील वाला प्रोडक्ट है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं चाहिए। ब्रैकेट इसमें बने हुए आते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा फिटमेंट का कोई चांस नहीं होता शीशे के अंदर। सिर्फ जो लगाने वाला बंदा भाई उसके लिए एक्सपर्टीज़ होती है ये कि जिस तरीके से शीशे की फिटमेंट है, क्योंकि ये वन टाइम फिटमेंट होती है, एक बार ही ख़राब हो गया तो पानी के लिए किसी बड़ी प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो सकती है। सो इस तरीके का काम अगर आपने कराना तो प्रोफेशनल तरीके से कराएं बिल्कुल। और सेम आपके सामने ये प्रॉपर इसके अंदर डिफॉगर ग्लास की इंस्टॉलेशन हो रही है,
पुराने ग्लास हमने निकाल दिया था, नया ग्लास इसके ऊपर इंस्टॉलेशन अब हम करेंगे। सो उसकी एक बारी प्रॉपर मैं दिखाऊंगा फिटमेंट किस तरीके से इसकी फिटमेंट हम कर रहे हैं और कैसे ये प्रॉपर इसके ऊपर सील होगा। ये वाइट डिफोकर ग्लास आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू डिफोकर ग्लास है, जेन्युइन एक्सेसरीज का पार्ट है मारुति की। और यहाँ पर कोई होल नहीं है, ZXI वाला कोई पार्ट नहीं है, इसको हमने सील नहीं कर रखा, कोई हमने टेप नहीं लगा रखी, जिससे प्रॉपर जो ओरिजिनल पार्ट है भाई इसका वही ये सिस्टम है और 100% सेफ है ये, कोई लीकेज की प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। जो ओरिजिनल रबड़ इसमें आप देख सकते हैं पहले वाली गाड़ी में थी वो सेम वही चीज़ इसके ऊपर इसमें कंपनी फिटेड आती है, तो ये जेन्युइन पार्ट है। सो उसी तरीके से भाई इसका प्रॉपर डिफोकर ग्लास लग गया आज, और जैसे इसकी फिटिंग हो जाएगी वायरिंग से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप बिल्कुल फॉरम मेरे चैनल पे कर सकते हैं। कार्लेबास के नाम से मेरा चैनल है और कार्लेबास पे ही आपको प्रॉपर इसकी फिटमेंट दिखाई जाएगी और हर एक चीज़ आपको प्लग एंड प्ले तरीके से दिखाऊंगा मैं, किस तरीके से ये लगती है और कैसे तरीके से ये प्रॉपर ये होल्ड हो जाती है और कैसे ये प्रॉपर वर्किंग करता है। तो मिलते हैं भाई इसकी वायरिंग के इंस्टॉलेशन के साथ। तो फाइनली इस गाड़ी का भी प्रॉपर देखो आप काम हो गया है और ये यहाँ पर कनेक्टिविटी आती है इसकी 12 वोल्ट की और अर्थिंग का प्रॉपर यहाँ पर पॉइंट दिया जाता है। सो इसके हिसाब से प्रॉपर आपका ये जो डिफोकर ग्लास है प्रॉपर पूरी वर्किंग रहेगी इसकी। बैक साइड में हमने यहाँ पर एक ग्लास आपको दिखाया था कि ग्लास इसका लगा दिया डिफोकर वाला और इसी के साथ इसकी प्रॉपर वायरिंग हो गई है, इसकी कनेक्टिविटी भाई प्रॉपर रैप की हुई है जो अंदर पिलर के अंदर से प्रॉपर चली जाती है वायरिंग इसकी। सो आगे जो है इसका स्विच लगता है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर एक स्विच लगेगा, जैसे इग्निशन को ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे और यहाँ बटन प्रेस करेंगे तो उससे ही इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर चालू हो जाएगी। सो फाइनली गाड़ी जो है प्रॉपर पूरी रेडी हो गई है। सो ब्रेजा का ही LXI मॉडल था, LXI को इसमें ZXI में सर ने पहले ऑलरेडी कन्वर्ट करा रखा है, जिसमें डुअल प्रोजेक्टर लाइट लगा रखी है, नीचे जो है फॉगलेट लगी हुई है, फॉगलेट पे क्रोम लगा हुआ है, नीचे स्किड गार्निश लगी हुई है, आगे फ्रंट के एक्सटेंडर लगे हुए हैं, साइड में अगर आप देखेंगे तो अलॉय व्हील्स इसमें लगा हुआ है, मड फ्लैप लगे हुए हैं, साइड की बिल्डिंग लगी है, विंडो क्रोम लगा हुआ है, डोर वाइजर लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट की रूफ रेल लगी हुई है। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेन रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, स्किड गार्निश लगी हुई है। सो भाई एक चीज़ बाहर की रह गई थी डिफोकर ग्लास, सो आज ये भी इस गाड़ी के अंदर सर ने इंस्टॉलेशन हमारे से करा ली और जो इंस्टॉलेशन हुई है ये कार्लेबास पे हुई है। कार्लेबास का जो मेरा एड्रेस है ये दिल्ली करमपुरा का है। मैंने आपको इसका फिटमेंट का तरीका दिखाया किस तरीके से प्रॉपर ये फिटिंग होती है इसकी, कैसे ये प्लग एंड प्ले तरीके से प्रॉपर पूरा लगाया जाता है। सो सारी वायरिंग हमने इसकी आपको प्रॉपर दिखाई, वायरिंग का तरीका मैंने आपको प्रॉपर दिखाया, जो इसका पर्पज़ होता है कि जैसे ही इसमें मिस्ट आती है, फॉग आती है, फॉग से ही अगर इसको लाइंस को ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस को, सो डिफोकर का इसका फंक्शन होता है वो प्रॉपर ही ऑन हो जाती है ये। सो इसका जो हमने आज स्विच इसके ऊपर आज यहाँ पर लगाया हुआ है, सो स्विच की जो कनेक्टिविटी भाई यहाँ पर हमने इसकी ओरिजिनल दे दी, जैसे ही पार्किंग के बल्ब ऑन होते हैं साइड में लाइट्स आ जाती हैं, सेम इसी तरीके से अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी इसके अंदर लाइट्स ऑन हो जाती हैं, मीटर के अंदर लाइट्स आ जाती हैं, जो इसके बटन हैं इसके अंदर भी प्रॉपर लाइट्स आ जाती हैं। इसको मैं पार्किंग से बंद करूंगा तो सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, ऑन होने पे ऑन हो जाती हैं। सो इसी तरीके से हमने इसके ऊपर स्विच इसका लगाया जिसमें पार्किंग लाइट से हमने इसको ऑन किया और जब मैं इसका डिफोकर ग्लास ऑन करूंगा तो इसमें ये मैनुअल यहाँ पर भी एक लाइट जलती है, फॉग लाइट का स्विच ये ग्रीन कलर का है, डिफोकर का स्विच व्हाइट कलर का है, व्हाइट मतलब कि इसकी मिस्ट हमने हटानी है और जो इसका पर्पज़ है भाई वो जैसे अंदर फॉग हो जाती है, मिस्ट हो जाती है, ये इलेक्ट्रिक ऑन हो जाता है और इसके अंदर जो मिस जम जाती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है और बिल्कुल आपको यहाँ दिखेगा इसके अंदर जो ये लाइन्स है ये प्रॉपर वर्किंग है और इसके जो कनेक्शन है मैंने आपको वो भी दिखाए थे किस तरीके से हमने कनेक्शन इसके ऑन किए हुए हैं। सो इसके अंदर जो तरीका भाई वो एकदम सील्ड है जैसे ओरिजिनल आता है VXI के अंदर, ट्रू कॉपी उसी के जैसे हमने इसको ये प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया। सो डिफोकर ग्लास की जो फिटमेंट है वो एकदम प्लग एंड प्ले तरीके से बेस्ट तरीके से की गई है और सेम इसका फंक्शन जो है ये पूरे मिस को क्लियर कर देता है ये। सो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा किस तरीके के हमारे काम है और कैसे हम इसको काम को पूरा अंजाम देते हैं और पूरा रेडी करते हैं। आज मेरे पास एक और गाड़ी बाहर खड़ी हुई है जो ब्रेजा है, ब्रेजा के अंदर भी हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो कंप्लेंट थी स्टेयरिंग जो भाई सस्ता लगवा लेते हैं लोग और उसके बाद परेशान होते हैं कि मेरी गाड़ी में तार तो नहीं कटी हुई, एक बार भैया देख लो मेरे कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे। सो उसकी भी आपको मैं अभी वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरीके से वो हमने इसको पूरी वायरिंग को स्टीयरिंग की चेंज किया और प्लग एंड प्ले तरीके से प्रॉपर ये रेडी किया। सो एक बारी उस गाड़ी में भी आपको मिलता हूँ मैं। सुबह मैं हमेशा आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि अपने स्टीयरिंग के स्कैम से बचो, जो स्टीयरिंग की वायरिंग लोग करके रखते हैं पूरा गुंजल बना के रखा हुआ। आज मेरे पास एक गाड़ी आई है, प्रॉपर पूरी वायरिंग हमने इसी करी है, यहाँ वाले जो टर्मिनल थे सारे हमने सेट कर दिए, इसके पूरे कटे हुए थे ये
यहाँ की वायरिंग की हुई है, आप देख सकते हैं ये स्पीकर वायर है भाई, ये स्पीकर वायर के ऊपर एक अटैचमेंट छोटी छोटी जुड़ी हुई है। कस्टमर का नुकसान पूरा इसके अंदर होता है, जो बंदा विश्वास करके गाड़ी लेके जाता है, ये पूरी जो है तारें टूटी हुई हैं ये, और भाई स्पीकर वायर के ऊपर ये टर्मिनल जुड़े हुए हैं। मैं जो वायरिंग लगाता हूँ मैं 100% नीट एंड क्लीन लगाता हूँ, सारी वायरिंग मेरी अलग अलग है, ये कॉपर वायर मैं यूज़ करता हूँ, कलर कोड के हिसाब से प्रॉपर हमारी सारी वायरिंग होती है। सो ये कस्टमर मेरे पास आए हैं आज अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए। सो भाई लग्जरी तरीके से जैसे हमारी गाड़ी का काम होता है, ऐसे इलेक्ट्रिकल का भी काम मेरे पास अपना बेस्ट तरीके से होता है ये। सो इसकी स्टीयरिंग की वायरिंग हमने सेट कर दी, स्टीयरिंग की वायरिंग के बाद अब सिर्फ रह गया ये क्या नाम है, स्टीरियो का कंट्रोल्स की जो वायरिंग हार्नेस है वो। सो ये जो स्पीकर वायरिंग है भाई, स्पीकर वायरिंग के ऊपर सारी चीज़ें चला रहे हैं, पूरी दिल्ली का यही काम है। और जो मेरे पास काम होता है मैं इसीलिए बोलता हूँ अपनी गाड़ी को साफ सुथरा रखो, नीट एंड क्लीन कराओ। ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं ये बिल्कुल होने नहीं चाहिए, टेपिंग के जो काम हो रखे हैं ये, और बहुत गंदे तरीके से इसके ये कनेक्टर जुड़े हुए भाई। ये सारी वायरिंग का जो काम है सारा वो स्पीकर वायर पे जोड़ रखा है, ये स्पीकर वायर सिर्फ स्पीकर्स के लिए होती हैं, इनसे आप अपनी गाड़ी को दूर रखो और कोई वायरिंग टेम्परिंग वाला कोई काम मत कराओ। ये जो वायरिंग कनेक्टर जुड़ा हुआ था भाई, ये आर्मरेस्ट के लिए जुड़ा हुआ था, आर्मरेस्ट के अंदर वायरिंग जुड़ी हुई है, सो इसको भी आपने बचाना है। सो जैसे मेरी गाड़ी की वायरिंग पूरी कंप्लीट होती है आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके की हमारी वायरिंग है। ये है भाई हमारी सैंपल वायरिंग, जिसके ऊपर हीट सिंक लगी हुई है, स्लीव चढ़ी हुई है, जैसे ये फायर का जो चांस है वो बिल्कुल नहीं होगा। ये पूरी स्लीव पे प्रॉपर हमने कर दिया इसका, और जो काम होगा सेम कार लिबास में होगा। कार लिबास का जो मेरा एड्रेस है ये दिल्ली करमपुरा का है, करमपुरा जो ये दिल्ली में एड्रेस मेरा पड़ता है, और मोती नगर कीर्ति नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है। तो भाई ये वही ब्रेदा है जो हमारे पास पिछले 10 दिन से, कस्टमर बहुत दिन से परेशान थे कि भाई मेरी गाड़ी का जो काम हुआ वो बहुत बुरे तरीके से हो रखा है, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में तारें कटी हुई हैं। सो सेम यहाँ पर कार लिबास का मेरा एड्रेस है, कार लिबास पे आपने आना है और अपनी गाड़ी को ठीक कराना है, काम कराना है। तो भाई सारी गाड़ी की वायरिंग हमने सेट कर दी, पूरी वायरिंग हमने इसकी प्लग एंड प्ले करके प्रॉपर पूरा तैयार कर दिया। कस्टमर सेटिस्फाइड है, कस्टमर वीडियो में नहीं आने चाहते कि यार मुझे अब मैंने काम करा लिया, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, पर सस्ते के चक्कर में बाहर चला गया मैं। तो सस्ते के चक्कर में बाहर गए थे और उसके बाद देख लो क्या हाल हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे में बहुत बारी हमने ऐसी भी रेडी करी है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे को आपके पास आना था बट मैं चला गया कहीं और। सो मैंने किसी और की आप ही के चैनल पे मैंने वीडियो देख रखी थी और उसके बाद मैंने नई वीडियो देखनी चालू करी, तो उसमें तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। सेम है सीट कवर्स के अंदर भी ऐसे ही हाल होता है कि जो 7,500, 8,000, 9,000 रुपए के जो सीट कवर आपको बाहर मिल रहे हैं कस्टमाइज कह के, वो कस्टमाइज सीट कवर नहीं है। कोई थाई सपोर्ट उसमें एक्स्ट्रा नहीं लगा होता, उसके अंदर सिर्फ एक फॉर्म की डेंसिटी बढ़ाई जाती है। अगर आपको सेम काम मेरे से भी कराना है तो मैं भी वो सेम काम करने को तैयार हूँ, बट मेरा काम थोड़ा सा और अच्छा होगा। और जो डिस्काउंट के लिए आप लालच में लोग जा रहे हैं कि भाई 3,500 रुपए का शेयरिंग मिल रहा है, 30% 50% डिस्काउंट, उसके लालच में मत जाओ, अपनी गाड़ी का काम बिल्कुल खराब मत करो। आप सिर्फ आओ कार लिबास पर, आओ कार लिबास पर जो मेरा काम है वो 100% सेफ सिक्योर है। मेरे खुद का जो एक्सपीरियंस है भाई वो 100% जेन्युइन है। मैं इससे पहले मारुति और हुंडई के अंदर मैंने एक्सेसरीज की जॉब करी है, सो एक 25 साल का एक्सपीरियंस भी होता है कि 25 साल के एक्सपीरियंस को भी हमने अपना काउंट करना है। और मुझे ये पता है कि मैंने जो गाड़ी में काम करना है वो 100% नीट एंड क्लीन करना है। सो भाई इसी तरीके से अपनी गाड़ियां लेकर आओ, अपनी गाड़ी को चेक कराओ। मेरे पास कोई टेस्टिंग वेस्टिंग का कोई पैसा नहीं लेता मैं, जो पार्ट लगेगा उसका पैसा लूंगा मैं। और अपनी गाड़ी को सेफ रखो, आगे गर्मी आनी स्टार्ट हो जाएगी, गर्मियों में शॉर्ट सर्किट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको अवॉइड करो भाई। जेन्युइन एसेसरी लगवाओ, जेन्युइन प्राइस लेके जाओ, और काम कराना तो सेम कार लिबास पे कराना है। सो मैं करता हूँ वीडियो को यहीं पर एंड, थैंक यू।